उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकासखंड रसिया के अंतर्गत ग्राम सभा पिपरिया में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से स्वच्छ मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 5 वर्षों से रोड से आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वीडियो सिक्योरिटी जांच करने आते हैं तो ग्राम प्रधान उन्हें पैसे देकर वापस कर देते हैं और हमारे ग्राम सभा में सफाई कर्मी नहीं आते। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की रोड से नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर पानी है, दबंग प्रधान ने पुल पटवा दिया, ग्रामवासी करें तो क्या करें, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आखिर आला अधिकारी क्यों चुप्पी साधे बैठे। इस ग्राम सभा के रहने वाले हैं आप? पिपरावा के। पिपरावा के रहने वाले हैं, ये बताइए कि यहाँ पर गांव में किस तरीके से समस्या झेल? गांव में बहुत समस्या खराब चल रहा है जी। प्रधान बहुत ज्यादा विपक्ष काम कर रहा है, बहुत ज्यादा बुराई करत है कि 40 साल 50 साल से जहाँ नाली बनरदहा बहत है उका पटवा दिन बम्बी कहन मट्टी डाल के पटवा दी। बीच कब्रस्तान से पानी नाली से लेके जा रहा है, उसके लिए हम लोग आरोप लगाए, हम लोग को पुलिस द्वारा गाली खिलावत है। गाली खिलावत है, हां गाली पुलिस को बुला के रुपया देके, लेखपाल को रुपया देके जबरन उसको नपवा रहा कि मैं रोड चौड़ी है उसको रोड में नाली निकाल लूंगा। हम कहा रोड के जगह रोड बनाइए, मैं कब्रस्तान में नाली जहां नाली रहा तहां नाली निकालो, हुआ जिस जगह पे नाली सरकारी है उसमें नाली नहीं निकालने, वो कह रहा मेरा खेत है। ग्राम सभा का विकासखंड क्या लगता है? विकासखंड इसिया लगता है, पोस्ट मंसूर नगर सही गाँव तहसील नाम पारा। तो इस गांव में जो समस्या देखने को मिल रही है, रोड इस तरीके से जर्जर जी 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 जी, नाली व गड्ढे कुछ यहां पर नहीं दिख रहे हैं, जो नाली हो तो गड्ढे में तब्दील। हाँ तब्दील है। तो क्या यहाँ से कभी आपने उच्च अधिकारी से? हम लोग उच्च अधिकारी से दिया लेकिन वो अधिकारी कोई आके जांच ही नहीं करने को राजी है, वो जाके अगर अच्छे मिल लेता है। प्रधान आते ही नहीं आते, प्रधान सब कुछ देखा, अधिकारी भी देखा, लेकिन कोई हम लोग की सेवा समाप्त करने की सुनवाई नहीं किया। आप लोग आए दिन इस पर? हाँ हम आए दिन, हम लोग परेशान हुए, हमारे कई आदमी परेशान हुए, रास्ता चलने वाले भी घटना होती रही लेकिन कोई समस्या हल नहीं हो रहा, कोई समस्या हल नहीं कर रहा। ये लगभग कितने साल? ये करीबन 4 साल से चल रहा है, 4 साल से चल रहा है। प्रधान ने कुछ वादाएं किए थे? वादाएं जितने किए थे सब खिलाफ हो गया, बस वो अपने दरवाजे पर करत है और कोई के दरवाजे। वो खाली हमारा जो घूर गड्ढा था हम लोग का गरीबों का लेके वो घर मकान भी बना लिया, उसको भी खाली नहीं करने को राजी है। आवास शौचालय आप लोग किसी को? आवास शौचालय 90 शौचालय जो निकाल लिया पैसा लेके अपने फंड के द्वारा ले लिया, किसी को भी बनवाया जो तो उसको अधूरा पड़ा, किसी को लैट्रिन के करने के पैसा प्लास्टर के अलावा थे तो छोटा छोटा सा अपना दे लिया। अच्छा, जो नरेगा का पैसा वो अपने खातों में डिस्टर्ब करता है, वो अपने खातों? हाँ अपने खातों में टाप दस्तक करा के डिस्टर्ब कर लेता। मैनेजर भी उसमें तो नहीं बोलने, मैनेजर भी मिला हुआ, मैनेजर भी नहीं मिलना, वीडियो भी मिला हुआ, वीडियो भी बोलो तो वीडियो भी उल्टा सीधा डांट रहा है। अच्छा वीडियो? हाँ कोई भी सुनवाई राजी नहीं। हम लोग ऊंचे तक के कई दरखास्तें डाले लेकिन वहाँ से जब आता है तो कंप्लेंट रोक लेता है, किया सब रोक लेता है। यहाँ के ग्राम प्रधान का क्या नाम? शकील खान। जनपद कौन सा है? बहराइच। विकासखंड रिसिया। पोस्ट मंसूर नगर सही गांव, तहसील नानपारा। ग्राम पिपरावा। पिपरावा जी, थाना नवाबगंज।